माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि आश्वस्त हैं और लेकिन मध्य प्रदेश के हितों को देखते हुए उन्होंने अस्पताल से कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खासकर के फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू की गई थी, इस योजना का प्रशासकीय अनुमोदन आज दिया गया। इस योजना में 50% भागीदारी केंद्र सरकार की रहती है और 50% भागीदारी राज्य सरकार की होती है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है होती है, इसको बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री जी की अनोखी पहल है। इसमें गरीब लोग के लिए 10,000 रुपया तक का ऋण दिया जाएगा। ये अभी तक नगर पंचायतों में थी, लेकिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मांग की कि नगर पंचायतों के अलावा जो छोटे छोटे हाट बाजार होते हैं, उन हाट बाजारों में भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए कि जो छोटे हाट बाजार हैं, उन हाट बाजारों में भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग जनपदों में और नगर पंचायतों में कैंप लगाएंगे और कैंप लगाने के बाद 10,000 रुपया तक का लोन हमारे जो छोटे छोटे हैं, फेरी वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, साइकिल पंचर वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, समोसा कचौड़ी वाले हैं, नमकीन वाले हैं, अंडे वाले हैं, छोटे बर्तन वाले हैं, जूती चप्पल वाले हैं, झाड़ू बेचने वाले हैं, छोटे छोटे जो हमारे मजदूर हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा ऐसा कोई लिमिट नहीं है, हम 1 लाख को दें, 2 लाख को दें, 10 लाख को दें, सबको इसका लाभ देंगे। तो जल्दी से हम लोग इसके कैंप जनपद और नगर पंचायत और नगर निगमों में लगाकर लोगों को लाभ देना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की सरकार के लिए है। पर बहुत सारे निर्णय लिए गए जिस पर सहमति व्यक्त की, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।